हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनी सिंह। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अच्छे माता पिता बने, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आज आपको पांच चीजें बताऊंगी। नंबर वन, जीतना। अक्सर हमारे बच्चे जब घर में खेलते हैं तो उसे हम जीतने देते हैं, हमें भी खुशी होती है और बच्चे भी खुश होते हैं। लेकिन नहीं, वही बच्चे जब कहीं पार्क में खेलने जाते हैं, अगर वो हार जाते हैं तो उन्हें वो हार बर्दाश्त नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमेशा उसे आप हम जीतने देते हैं। लेकिन आप बच्चों को समझाएं कि नहीं बेटा, जितना जीतना जरूरी है उतना ही हारना भी, क्योंकि हारने से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए आप बच्चों को हमेशा जीतने ना दें, उसे हारने दें, उसे समझाएं कि जीतना हारना दोनों जरूरी है। नंबर दो, पनिशमेंट। हम हर छोटी छोटी गलतियों पर बच्चों को पनिशमेंट देते हैं, लेकिन ये गलत है। आप हर छोटी छोटी गलतियों पर बच्चों को पनिशमेंट ना दें, उसे प्यार से समझाएं, उसकी हर निगेटिव थॉट को पॉजिटिव वे में बताएं, उसे बैठा कर समझाएं। नहीं तो क्या होगा, वो डरेगा नहीं और आपसे प्यार भी नहीं करेगा, और उसे यही लगेगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, पापा आएंगे ऑफिस से और एक पनिशमेंट और मिल जाएगी। लेकिन ये गलत है। आज तो छोटी छोटी गलतियों पर आप डांट रही हैं, पनिशमेंट दे रही हैं और वह डर नहीं रह रहा, लेकिन कल आपसे बड़ी बात पे भी नहीं डरेगा। उसे प्यार से समझाएं बैठाकर, आप छोटी छोटी गलतियों पर पनिशमेंट ना दें। नंबर तीन, जिम्मेदारियां। आप बच्चों को हमेशा छोटी छोटी जिम्मेदारियां दें, जैसे कि हमारे घर में मेहमान आते हैं और हम घर के काफी वेल मेंटेन करके रखते हैं और बच्चे हमेशा उसे गंदा कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं बच्चों पे। लेकिन नहीं, आप क्या करें, बच्चों को समझाएं कि आप बड़े हो गए हैं, अब आपको जिम्मेदारियां लेनी चाहिए। चलो आज आप घर के इंचार्ज हो, बच्चे काफी खुश हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है ना कि हम बड़े हो गए हैं, हमें इंचार्ज मिल गया है, जैसे बड़े को मिलता है। तो वो क्या करेंगे, वो सारे घर को बेल मेंटेन करके रखेंगे, सजा के रखेंगे। उन्हें लगाया कि अगर मेहमान आएंगे, अगर वो कहेंगे गलत घर गंदा है, तो यह इंचार्ज मैं हूं, तो ये जिम्मेदारी मेरी बनती है और मुझे बुरा कर जाएंगे, तो वो काफी अच्छे से बेल मेंटेन करके घर को रखेंगे। दूसरी चीज, आप कहीं से कुछ खरीद के लाते हैं, या खाने वाला हो चाहे पहनने वाला हो, कुछ भी हो, तो जो जिद्दी बच्चे होते हैं वो हमेशा क्या करेंगे, ये अच्छा है ये बुरा है, तो मुझे ज्यादा मिल गया तो मुझे कम मिल गया करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि आप उसी बच्चों को सौंप दें, तब देखिए वो क्या करते हैं, सबको देंगे, खुद को अगर कम भी मिल जाए फिर भी उसे उन्हें संतुष्टि होगी, क्योंकि उन्हें उन्हें कम भी मिलेगा फिर भी वो खुश होंगे, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी। जैसे कि हम देखते हैं हम अपने घर में, जो हमारे घर के बड़े होते हैं, जो मुखिया होते हैं, वो हर किसी के डिमांड को पूरा करते हैं, जरूरत की चीजें पूरा करते हैं, पर उनकी अपनी कमी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियां, उन्हें जिम्मेदारियां ले रखी है। तो जिम्मेदारी लेना बहुत बड़ी बात होती है और हर किसी को लेना पड़ता है। तो अगर ये बच्चों को शुरू से सिखाएंगे तो बाद में उन्हें दिक्कत नहीं होगी। नंबर चार, रिक्वायरमेंट। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे की हर डिमांड को पूरा करते हैं, लेकिन ये गलत है। आप हर डिमांड को पूरा ना करें, आप जो जरूरत की चीजें हैं वही दें। इससे क्या होगा कि कल बच्चे हर चीज मांगेंगे, अगर आप उसे पूरा ना करते हैं तो बच्चों को बुरा लगता है। इसलिए आप हर डिमांड को पूरा ना करें, आप खुद को देख लीजिए। हम लोग माँ बाप क्या करते थे, वो हर डिमांड को पूरा नहीं करते थे, हमें हमेशा ना सुनने की आदत बन गई थी। तो अगर हमें हर डिमांड पूरा नहीं हुआ, हम पापा को कहते जाते थे ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, अगर हमें वो पूरा कर देते थे तो हमें बहुत खुशी होती थी, काफी खुशी होती थी। क्यों? क्योंकि हमें ना सुनने की भी आदत थी। तो इससे आपको क्या होगा कि बड़े होने पर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर बड़ा होने पर अगर हर चीज पूरा नहीं होता है तो बच्चों को भी बुरा लगता है और हमारे लिए भी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि हम हर चीज पूरा नहीं कर पाते और यह बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो इसलिए हर डिमांड को आप पूरा नहीं कीजिए, उसे समझाइए, उसे बताइए कि ये बेटा जरूरत की चीजें नहीं है, जो जरूरत की चीजें है वही दीजिए,
वो तो ना समझ है, लेकिन हमें तो पता है ना कि कौन सी चीज जरूरत की है कौन सी चीज नहीं है। नंबर 5, पैसे कमाए जाते हैं। अक्सर हमें सुनने को मिलता था घर में, हमारे दादा दादी बोलते थे कि पैसे बेटा पेड़ पे नहीं उगते। तो आप भी अपने बच्चों को समझाएं कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसे कमाए जाते हैं, और इसके लिए हमें काफी मेहनत करना पड़ता है, तब हमें पैसे मिलते हैं। तो बेटा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए काफी पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर पैसे कमाते हैं हम लोग, और आपको भी काफी मेहनत करना पड़ेगा। तो आप इस चीजों को जरूर ध्यान में रखें, इन 5 चीजों को, आपके बच्चे हमेशा सही रास्ते पर चलेंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।